पाठ 18। तेनाली रामन की चतुराई। एक बार तेनाली रामन राजा कृष्णदेव राय से कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर अपने गांव गया। गांव में जाकर पता चला कि आजकल गांव के सभी लोग बहुत परेशान और दुखी हैं। उनकी परेशानी का कारण था एक शेर जो जंगल से भागकर गांव में आ गया था और पास ही कहीं झाड़ियों में छिपकर रह रहा था। उसने गांव के कई लोगों को अपना शिकार बना लिया था। जब तेनाली रामन घर पहुंचा, तो एक बूढ़े आदमी ने कहा, अरे तेनाली रामन, तुम्हारी चतुराई की तो राजा भी प्रशंसा करते हैं, फिर इस शेर के आतंक से गांव वालों को तुम क्यों नहीं बचाते? तेनाली रामन विस्मित होकर बोला, शेर को तो शिकारी पकड़ेंगे, मैं भला इसमें क्या कर सकता हूँ। हाँ, वापस राजदरबार जाकर किसी अच्छे से शिकारी को भेज दूंगा जो तुम्हें शेर के आतंक से बचाएगा। तब तक तो यह दुष्ट शेर पता नहीं कितने लोगों का शिकार कर चुका होगा। तुम्हारे लिए यह काम मुश्किल नहीं है, मुझे पता है तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालोगे। गांव में एक व्यक्ति तेनाली रामन से चिढ़ता था। उसने तीखे स्वर में कहा, अरे रहने दीजिए, इनकी चतुराई तो राजमहल में ही चलती है। गांव में आते ही इनकी सारी चतुराई हवा हो जाती है, ये भला यहाँ क्यों कुछ करेंगे। तेनाली रामन कुछ बोला नहीं, चुप रहा। अगले दिन उसने पता किया कि शेर अक्सर गांव की बाहरी सीमा पर पूर्व से उत्तर की ओर जाता है, वहीं उसके पैरों के निशान हैं। उसका रास्ता भी करीब करीब एक ही था। ज्यादातर गांव वालों को यह बात पता थी, इसीलिए वे अब वहां नहीं जाते थे। पर अनजान लोगों को इस बात का पता नहीं था, वे लोग ही शेर के चंगुल में फंस जाते थे। रोज कोई ना कोई हादसा हो जाता था। तेनाली रामन ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, कुछ नौजवान हाथ में लाठी, रस्सी और फावड़ा लेकर मेरे साथ आए, मैं देखना चाहता हूँ कि वह कौन सी जगह है। यह सुनकर सब मुस्कुराए। तेनाली रामन सबके साथ उसी जगह पहुँचा जहाँ शेर ने ज्यादातर लोगों का शिकार किया था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर बीच में एक जगह गड्ढा खोदने के लिए कहा। गड्ढा खोदने के बाद उसे घास फूस और झाड़ियों से अच्छी तरह ढक दिया गया। गड्ढे के दूसरी तरफ एक बकरी को बांध दिया गया। फिर जल्दी ही सब ऊंची मचान पर बैठ गए। थोड़ी देर में शेर के आने की आहट सुनाई दी। बकरी की मैं मैं की आवाज सुनकर शेर उधर ही आने लगा। बकरी जितनी जोर से मैं की आवाज करती, शेर उतनी तेजी से पूंछ उठाए उसकी ओर आने लगा। थोड़ा आगे जाते ही शेर का पैर गड्ढे में पड़ा और वह गड्ढे में गिर गया। उसी समय गांव के जवान लाठियां लिए हुए आए और शेर को बांधकर जंगल में छुड़वा दिया गया, तथा जंगल और गांव के बीच लोहे के बड़े बड़े कंटीले तार लगा दिए गए। गांव वाले खुश हो गए, सबने तेनाली रामन को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद छुट्टियां खत्म होने पर तेनाली रामन राज दरबार पहुंचा। तब तक शेर को पकड़ने का किस्सा भी विजयनगर पहुंच चुका था। राजा कृष्णदेव ने तेनाली रामन की बहुत प्रशंसा की।